नमस्कार। अब हम करते हैं कुछ नावले नंबर 5 का पहले का 7वां क्वेश्चन। तो देखो, सर्वसमीकरण से हमने हल करना है वो, तो कैसे करेंगे? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 6x-7 की होल स्क्वायर। तो देखो, 6x-7 की होल स्क्वायर है तो इसको तो देखो, ए तो हम किसको मानेंगे, 6x को, और बी मानेंगे 7 को। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए की जगह क्या है, 6x है, और बी की जगह 7 है और इसकी होल स्क्वायर है। तो ए की जगह 6x लिखेंगे और बी की जगह क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे 6x की होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6x गुणा 7 और प्लस में 7 की स्क्वायर। अब देखो 6 का कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस का ये कितना हो जाएगा, 6×7=42 और 42×84x और प्लस 7×49 आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार देखो हम 8वां क्वेश्चन करें। देखो ये हमें माइनस ए प्लस सी दिया है, तो माइनस ए प्लस सी की होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या हम इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या करते हैं, सी माइनस ए कर देते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सी माइनस ए और इसको भी c माइनस ए लिख दिया, तो c माइनस ए की होल स्क्वायर। तो इसको a, इसको b माने, तो सूत्र लगेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर का a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर का। तो a की जगह तो c आ गया और b की जगह a आ गया, तो a की जगह तो c की स्क्वायर 2, a की जगह c और b की जगह ए आ जाएगा, 2ca प्लस बी की जगह ए की स्क्वायर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम करते हैं आगे 9वां क्वेश्चन। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, x बटा 2 प्लस 3y/4 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की जगह ए बी की जगह, तो a की जगह तो क्या आ गया, x प्लस a, और b की जगह 3y/4, तो a स्क्वायर सूत्र लगेगा 2ab प्लस b की स्क्वायर। a की जगह तो क्या आ गया, x बटा 2, और b की जगह क्या आ गया, 3y/4 इसकी होल स्क्वायर है। तो a की जगह तो x बटा 2 और b की जगह 3y/4 लिखेंगे, तो a की जगह x बटा 2 लिख दिया, इसकी स्क्वायर प्लस 2 का 2 गुणा में a की जगह x बटा 2 लिख दिया, गुणा में b की जगह 3y/4 लिख देंगे, और प्लस b की जगह 3y/4 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर बटे में 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, देखो 3xy, यहाँ पे 3xy बटे में क्या आएगा, 4, और प्लस में 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा, 16, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 7a-9b की होल स्क्वायर लिखते हैं। तो देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह 7a, b की जगह 9b, इसकी होल स्क्वायर है। तो a की जगह 7a की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7a और k कितना है, 9b। देखो a की जगह 7a, b की जगह 9b और प्लस में 9b की होल स्क्वायर। अब इनको हल करते देखो, 7 का स्क्वायर 49 a की स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, अब इनको गुणा करेंगे, 9×7=63 और 63 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 126 ab और प्लस में 81 b की स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं।